हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज है 20 अप्रैल और आज और कल के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में 12.3% की गिरावट हुई है। तो ये विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में 12.3% की गिरावट हुई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्रामीण गरीबी में कितने परसेंट की गिरावट हुई है, तो ये हुआ है 14.7%। और अगर मैं बात करूं शहरी गरीबी कितनी कम हुई है, तो शहरी गरीबी हुई है 7.9%, यानी 7.9% शहरी गरीबी में कमी आई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कहाँ है, तो USA में, यानी अमेरिका में। और विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डेविड रॉबर्ट मालपाल। क्या नाम है इनका, तो डेविड रॉबर्ट मालपाल। तो आप लोग इसे भी याद जरूर रखिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेना कमांडरों का एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। यानी सेना कमांडरों का एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, यानी हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। ठीक है, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है और यह MM नरवणे का स्थान लेंगे। अगर मैं बात करूं कि यह कौथे भारतीय सेना प्रमुख है, तो यह 29वें भारतीय सेना प्रमुख है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति दर क्या है, तो यह है 14.55%। यानी कि थोक मूल्य सूचकांक, यानी कि WPI आधारित मुद्रा स्फीति दर कितना है, तो 14.55 है। आप लोग इसे भी जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना अध्यक्ष बनाया है, तो ये बनाया है बिमल कोठारी को। यानी कि बिमल कोठारी को हाल ही में इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने अपना अध्यक्ष बनाया है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंथोस डिजिटल ने कहाँ पर अपना पहला IET प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है, तो ये किया है लेह लद्दाख में। यानी कि लेह लद्दाख में इंथोस डिजिटल ने अपना पहला IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है। अगर मैं बात करूं कि लद्दाख के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कौन है, तो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक SS खंडारे हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कहां पर कृपाण शक्ति अभ्यास, कौन सा अभ्यास, तो कृपाण शक्ति अभ्यास आयोजित किया है, तो ये किया है पश्चिम बंगाल में। यानी भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने किन दो राज्यों को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा, तो ये करेगा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। यानी कि BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो इसकी ऊंचाई होगी 16,580 फीट। ठीक है, और यह किस दर्रे पर बनेगा, तो यह बनेगा सिंकुला दर्रे पर। तो आप लोग इसे भी ज़रूर से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में द बॉय टू रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन शीर्षक से एक नई पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है राजेश तलवार। यानी कि राजेश तलवार ने हाल ही में अ बॉय टू रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन शीर्षक से एक पुस्तक रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि किस प्रख्यात उड़िया गायक और संगीतकार का निधन हुआ है, तो ये है प्रफुल्ल कर। यानी कि किस प्रख्यात
उड़िया गायक और संगीतकार का निधन हुआ है, तो इनका नाम है प्रफुल्ल कर और इन्हें 2015 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है, तो ये जीता है हरियाणा ने, यानी कि हरियाणा ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है और यह किसे हरा कर जीता है, तो ये जीता है तमिलनाडु को हरा कर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व लीवर दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया है 19 अप्रैल को, यानी कि 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये बनी है तंजानिया की, यानी कि सालिया सुलू हसन को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान है, तो यह है सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर देश अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस कौन सा दिवस, तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया है 17 अप्रैल को, और ये कब से मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है 1989 से। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा एक्टिनिमेंस कोयासा कि एक नई प्रजाति है, तो यह है झींगा की, यानी कि हाल ही में खबरों में रहा एक्टिनिमेंस कोयासा एक नई प्रजाति है, तो ये किसकी एक नई प्रजाति है, तो ये एक झींगा की नई प्रजाति है जिसे लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप में, कहाँ पे, लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप में देखा गया है। और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि NROL 85 जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस देश का खुफिया उपग्रह है, तो यह है अमेरिका का, यानी अमेरिका का NROL 85 लॉन्च किया गया, यह एक खुफिया उपग्रह है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतियोगी परीक्षा में छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए अभ्यास कार्यक्रम कौन आयोजित करेगा, तो ये करेगा ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि हाल ही में प्रतियोगी परीक्षा में छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए अभ्यास कार्यक्रम कौन आयोजित करेगा, तो ये करेगा ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।